हमने देखी हमारे ही टीम मेंबर की, जिनका नाम है शरण कुमार, जो आप जानते हो हमारे चैनल में भी हैं, वो उनकी फर्स्ट डायरेक्टोरियल मूवी, इसका नाम है नडवन एंड, और वो ये फिल्म तमिल फिल्म है और ये सोनी लिप पे रिलीज़ हुई है अभी, तीन लैंग्वेजेस के अंदर, तमिल, तेलुगू एंड मलयालम। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड मूवी, बिकॉज ये पहले कहीं से नहीं लग रहा कि एक ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है, और फिल्म में जो क्लाइमेक्स, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स और हर चीज़ सामने होते हुए भी चीज़ें बड़ी, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं आप फंसे हुए हो, और बड़ी एंगेजिंग है, स्पाइन चिलिंग जिसको मैं बोल सकता हूँ, बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है, मज़ा आ गया देख के। और सबसे बढ़िया जो फिल्म की जान है वो इसका बैकग्राउंड स्कोर, अल्टीमेट, मतलब मज़ा ही आ गया। लिटरली नडवन का मीन्स होता है मिडल मैन, बीच का आदमी। तो फिल्म की स्टोरी स्टार्ट होती है विद कार्तिक भरत निवास, जो कि कोडाईकनाल में एक टी प्लांटेशन को रन कर रहे हैं, और उनके और वो अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं। उसके पास इतना भी यू नो अपना टाइम नहीं है कि अपनी वाइफ और अपनी डॉटर के साथ में टाइम स्पेंड करें, वो चाहते हैं करना, लेकिन वो बिजनेस को थोड़ा सा प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। कार्तिक का एक बिजनेस पार्टनर है शिवा, जो कि उसकी बिजनेस को सेट करने में हेल्प भी कर रहा है। हाँ जी, और कहानी शुरू होती है गाइस, इसमें एक कैरेक्टर है गुरु, वो जो है कार्तिक के घर में कुछ ऐसा देखता है जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था, और फिर वहीं से कहानी शुरू होती है, और मैं कहना चाहूंगा कि सबकी कहानी खत्म होती है। यही यही इस फिल्म का बेसिक प्लॉट है। जी रजत। ओके, टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीड एक्टर की, भरत निवास की। उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो एक डिसेंट परफॉर्मर हैं, और उनको किसी भी रोल में आप उनको दे दो, वो एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देते हैं। वो ये मैं कह सकता हूँ, ही इज़ ए डायरेक्टर एक्टर, जो मतलब उन्होंने ये भी नहीं देखा कि शरण इज़ ए यू नो फर्स्ट एज ए डायरेक्टर फर्स्ट डेब्यूटेंट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जैसे शरण ने उनको जिस हिसाब से नरेट किया, डायरेक्ट किया, उन्होंने उनको उससे कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करके दी। साथ में उनके जो को स्टार्स हैं, जो अपर्णा विनोद हैं, उनकी जो उन्होंने वाइफ का रोल किया वो भी अच्छा है, एक छोटी बेटी, एक उनकी बेटी डॉटर का रोल किया उसने भी बहुत अच्छा किया है, गोकुल जो इसके में जो इसके मतलब हम विलेन भी कह सकते हैं, सपोर्ट कास्ट में भी हैं, बहुत अच्छा काम किया है। और इवन इसमें एक पुलिस मैन है योग जेबी, एक्टर हैं वो बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक्टिंग करी है, काम अच्छा ऐसे हाँ मतलब सबका काम अच्छा है। मतलब उस पुलिस वाले की खासियत ये है जीत, कि वो करप्शन में भी हैं लेकिन वो काम पे भी ध्यान दे रहे हैं, मतलब वो करप्ट भी हैं, वो पैसे भी खा रहे हैं, कि जैसे है कि भैया केस को मैं रफा दफा कर दूंगा और तू इस बार पे वो देने नहीं आए पैसे, लेकिन वो काम पे भी उतना ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। और बाकी सबका जो है मतलब जो इसमें गुरु का जिसने रोल किया है वो भी एक बहुत अच्छा है करेक्टर, सब ने बहुत अच्छा अपना काम किया और डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम निकाला। हाँ जी जी जी। और खैर इसमें जो शरण कौर है जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, जैसा हमने बताया, ये गाइस एक ऐसी थ्रिलर बन के सामने आती है जिसमें कि आपको थ्रिल और इमोशन और ड्रामा सब इक्वल पोर्शन से मिलेगा, थोड़ा सा इसमें आपको डार्क कॉमेडी का भी मतलब तड़का कहूँगा मिलेगा, वो आपको देखने से समझ में आएगा। जी जी रजत। ओके, नडवन की स्टोरी सिंपल है, शरण और सबसे बड़ी बात है कि शरण ने इसको बड़े अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है और उतना ही मज़ेदार बना दिया, मतलब यही खासियत होती है एक डायरेक्टर की, जो एक सिंपल स्टोरी को, एक सिंपल प्लॉट को इतने तरीके से मतलब बिल्डअप करे कि जब आप उसको देखो ना तो एंगेजिंग में रहो और देखते रहो टिल एंड, ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। ओके, और लोकेशन हम बात करेंगे कोडाईकनाल की, तो डायरेक्टर एंड सिनेमा फोटोग्राफर, बिकॉज सिनेमा फोटोग्राफर या जिसको हम डायरेक्टर फोटोग्राफी बोलते हैं, इसे डायरेक्टर आई, ठीक है, जो वो विजन है उसको पूरी तरीके से कैमरे में उतारना, ये काम डायरेक्टर फोटोग्राफी का है, जो डीओपी का ही काम, जो डीओपी का काम है, जो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। और अब इसकी स्टोरी जो है, हम थोड़ी सी बात करते हैं, ज़्यादा हम नहीं बता नहीं सकते, ये एक नॉर्मल सी स्टोरी है कि एक अच्छी सी यू नो जिंदगी चल रही है, कि इंसान की बड़ा सब कुछ सही चल रहा है, और उसमें एक यू नो एक मर्डर स्टार्ट हो जाता है, मर्डर से कहानी शुरू होती है, और उसके चक्कर में क्या क्या एंगेजिंग स्टार्ट होती हैं और कहानियाँ कैसे अलग अलग चल रही हैं, फिर आके एक हो जाती हैं, ये डायरेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया।
इसी के लिए मैं हम आपसे बोलेंगे एक बार, मतलब नटवन को तो जरूर देखना चाहिए, ये मस्ट वॉच फिल्म है। हाँ जी, और मजेदार बात यह है कि फिल्म स्टार्ट होती है एक, आपको लगेगा नॉर्मल सी कहानी, रूटीन सी कहानी है और सब कुछ आपके सामने हो रहा है, लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया है कि सब कुछ आपके सामने हो रहा है तो भी वो एंगेजिंग है, तो भी आप ये सोचने पे वो आपको मतलब आपको आपको फोर्स करेगी कि व्हाट नेक्स्ट, ये वाली जो फीलिंग आती है ना, ये रजत ये देखने में बहुत मज़ा आता है एक्चुअली में। और गुरु, खैर हमने बताया कि वो इसमें मेन कैरेक्टर बन के सामने आते हैं, कि जैसे ही वो कुछ देखते हैं और उसके बाद में जो एक नॉर्मल सी फिल्म लग रही है वो अपने आप ही थ्रिलर में कन्वर्ट हो जाती है, और इंटरवल के बाद तो सब कुछ इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी चेंज होता है, इतनी जल्दी बदलेगा, मतलब माइंड ब्लोइंग। और कार्तिक और साथ में गुरु की गैंग ये सब कुछ बदल के रख देंगे, वो आप देखिए इस फिल्म में। जी जी रजत, हम दोनों मिलकर इस फिल्म को देते हैं 5 में से 4 स्टार, कोई कितने भी दे, लेकिन हम इस फिल्म में एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर की मेहनत, उसका काम करवाने का तरीका, एक नई यू नो एक चीज़ों को बड़े तरीके से एंगेज रखना, चाहे वो हाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी लगी जो एक मतलब न्यू कॉमर ने अटेम्प्ट किया है और वो मतलब अच्छी लगी। वो जैसे हम एक खैर मुझे लग रहा है ये स्पॉइलर नहीं होना चाहिए कि फिल्म को पार्ट्स में करके दिखाया है, वो किस तरह से दिखाया है वो आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, मतलब चैप्टर्स में डिवाइडेड है और फिर वो किस तरह से एक एक लाइक क्या होने वाला है उसका पहले इंट्रो दिया जाता है, फिर उसके बाद में लाइक इंट्रो देख के, लेकिन इंट्रो देख के भी आपको समझ नहीं आएगा कि अब क्या होने वाला है, तो ये बहुत एंगेजिंग चीज लगी। तो इस तरह की कई चीजें हैं, तो वेल अगर अगर मतलब आप लोगों को अच्छा लगता है थ्रिलर जो जॉनर, तो इसको एक ट्राई तो जरूर देना बनता है, तो आप प्लीज देखें और सोनी लिस्ट पे अवेलेबल है ये। ओके रजत, यस, तो बाकी हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन गुड बाय।